दो तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए बात करते हैं। उनके स्वभाव और गुण की दो मूलांक वाले व्यक्ति अत्यधिक सहृदय और मृदुभाषी होते हैं। इस अंक वालों की रुचि परिष्कृत होती है और ये सौंदर्य प्रेमी होते हैं। मित्र बनाने में भी ये दक्ष होते हैं, परंतु फिर भी अच्छे और सच्चे मित्रों का अभाव उन्हें सदा खटकता रहता है। इनमें आत्मविश्वास की कुछ कमी होती है, तभी थोड़ी थोड़ी देर में इनके विचारों में परिवर्तन आते रहते हैं। पत्नी इन्हें सुशिक्षित मिलती है, परंतु अत्यधिक कल्पनाशील होने के कारण कई बार पति पत्नी में मनमुटाव हो जाना संभव है। ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति कुछ भी कर गुजरते हैं। इन्हें हर समय कोई ना कोई साथी अवश्य चाहिए, जिसके अभाव से इनके बहुत से काम रुक जाते हैं। चंद्र तत्व की प्रधानता के कारण इसका स्वभाव कुछ सतृण है, इसलिए ये स्त्रियों में अधिक घुल मिल जाते हैं। दूसरों के मन का भेद ये शीघ्र जान लेते हैं। यदि ये किसी नदी या समुद्र के किनारे वाले नगर में रहें तो इनका भाग्य और भी चमक जाएगा। दो तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति सभ्य, सुहृदय और सुशील होते हैं, परंतु कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनके प्रति उन्हें सतर्क रहना चाहिए। यदि ऐसे व्यक्ति इन बातों से बचेंगे तो अधिक सफल होंगे। इस अंक वाले जो कुछ भी सोचते विचारते हैं, एक बार उसके गुण अवगुण का परीक्षण करके उस पर स्थिर रहें। मन को एक कार्य पर टिका करके श्रम करें, सफलता मिलेगी। आरंभ किए गए कार्य को पूरा करें। किसी भी कार्य को शुरू करने के बाद अधूरा छोड़ना हितकर नहीं होगा। अपने आत्मविश्वास को इस अंक वाले जाने हीन भावना से बचें। आत्मविश्वास दृढ़ होने पर ये कुछ भी करने में समर्थ होंगे। इस अंक वाले उतावलापन छोड़ दें। संकट आने पर घबराएं नहीं, चित्त व बुद्धि को स्थिर रखें। अच्छा वातावरण ना मिलने पर जल्दी ना घबराएं। अधिक भावुक होने पर दो तारीख को जन्म वाले लोगों को हानि उठानी पड़ सकती है। भावुकता में इस अंक वाले उन्माद की सीमा तक पहुंच जाते हैं। इस अंक वाले हर किसी स्त्री से प्रेम ना जताएं, उनके पास ना बैठें, इससे उनके व्यक्तित्व को हानि पहुंच सकती है। सभी लोगों को मित्र बनाने का प्रयत्न ना करें, सोच समझकर ही मित्र बनाएं और चापलूस लोगों से दूर रहें। दो तारीख को जिनका जन्म हुआ है, किसी भी माह की दो तारीख को जन्म वाले लोगों का प्रधान देवता शिवजी भगवान होते हैं। अगर शंकर भगवान की मूर्ति या चित्र को वो अपने घर में रखें, प्रातःकाल उठकर उनके दर्शन करें, हो सके तो मोती जड़ी हुई अंगूठी के ही दर्शन कर लें और साथ ही शिवजी भगवान की पूजा करें, तो इस अंक वालों को विशेष लाभ मिलने की संभावना हो सकती है। इस अंक वाले लोग शरीर से अधिक हष्ट पुष्ट नहीं होते हैं, अतः इन्हें अधिक क्रोध नहीं करना चाहिए। इससे ये अंक अधिक जल्दी मूर्छित भी हो जाते हैं। इनका नर्वस सिस्टम या स्नायु संस्थान बहुत शीघ्र प्रभावित होता है, अतः ऐसे कामों से बचें जो स्नायु संस्थान को हानि पहुंचाते हैं। इनके लिए प्रतिदिन टहलना बहुत उपयोगी है। इस अंक के व्यक्तियों को प्रायः पेट की बीमारियां भी रहती हैं। कोष्ठबद्धता और पेट में गैस की शिकायत बनी रहना आम बात है। इस मूलांक वाले व्यक्ति की मृत्यु उदर रोग से होती देखी जाती है, इसीलिए पेट के प्रति हमेशा इन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। और साथ ही इस अंक वाले लोगों को छूत के रोगों से बचना चाहिए। अधिक लोगों के संपर्क में कम से कम आए, ये सब अगर ये व्यक्ति उपाय करते हैं
तो निश्चित रूप से इनके जीवन में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही अपने विचारों और योजनाओं के प्रति अस्थिरता, निरंतरता का अभाव और आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। ये व्यक्ति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और यदि इनको सुख और सुविधा पूर्ण वातावरण ना मिले तो ये बहुत जल्दी ही निराश हो जाते हैं। इस अंक वाले व्यक्तियों के लिए हरा रंग बहुत उपयोगी है, पर वह हल्का हरा हो। वैसे सफ़ेद और क्रीम रंग भी इनके लिए उपयुक्त होते हैं। सफ़ेद वस्त्र धारण करें और अपने घर को क्रीम रंग से पुतवाएं तो अच्छा रहेगा। काले, बैंगनी, गहरे लाल अंक के लिए हानिकारक हैं। खाने में भी इनके पदार्थ, दूध, दही आदि सफ़ेद पदार्थ लेना हितकर रहेगा। इनके लिए मोती धारण करना सबसे लाभदायक है, पर नकली मोती पहनना लाभदायक नहीं होगा। मोती चिकना, सुडोल और चमकदार होना चाहिए और उसे चांदी की अंगूठी में जड़वाकर सोमवार के दिन पहने तो अधिक लाभदायक होगा। अंक दो, यानी कि 2 तारीख को जिनका जन्म हुआ है का 1 के तारीख वालों के साथ परस्पर तालमेल रहता है, जबकि अंक 2 को 7 के अंक वाले व्यक्तियों से उतना तालमेल नहीं रहता है। इनके लिए विशिष्ट समय जो है वो 20 जून से 27 जुलाई का समय होता है। इनके अंक का स्वामी चंद्रमा होता है और इनकी जन्म की तारीखें 2, 11, 20 व 29 होती हैं। 2 अंक चंद्रमा का सूचक है, जो स्त्रियोचित गुण विद्यमान होने का प्रतीक है। यह इनमें सहजतापूर्ण स्पंदन विद्यमान करवाता है, जिससे वे अच्छे मित्र बन जाते हैं। इस दिन नेपोलियन तृतीय का जन्म हुआ था, मोरारजी देसाई का जन्म हुआ था, फ्रांस के राष्ट्रपति सैरी कार्नोट का जन्म हुआ था, तो और साथ ही चार्ली द्वितीय का भी जन्म हुआ था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी इसी दिन जन्म हुआ था। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।